बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत मज़े के कीमे के समोसे बनाना बता रही हूँ। तो बहुत आसान है, एक ही शीर से हम तीन तरीके के समोसे बनाएंगे। और कीमा बनाना इतना आसान है ना, मैंने बहुत आसान करके कीमा बनाया, जो अक्सर समोसों में डाला जाता है, बाज़ार में मिलते हैं, उससे भी अच्छा हम कीमा बनाएंगे बहुत जल्द। तो मैंने पोटली समोसा भी बनाया है इसी शीर से। पोटली समोसा नहीं बनता, लेकिन हमने बना लिया है, आपको बताएँगे कैसे बनाया। तो मैंने आधी प्याली ऑयल ली है, 1.5 पाव प्याज मैंने कटर में कट की है, ये डाल दी है कटिंग करके प्याज कटर में। और मैं डालूंगी 1 पाव कीमा, थोड़ा सा बस ऊपर 1 पाव से, देखे थोड़ा चर्बी वाला कीमा आ गया है ये। हमें इस कीमे से कुछ और बनाना था ना, फेट वाले कीमे से कुछ और बनाना था, लेकिन अभी हम इससे ये काम ले रहे हैं जैसे हम समोसे बना रहे हैं, कोई मसला नहीं। इसका ऑयल निकलेगा, आपको बताएंगे इसका ऑयल कैसे बाहर करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालिए, 1.5 टेबल स्पून दरा धनिया डालेंगे हम, देखिए 1.5 टेबल स्पून मेरा होममेड धनिया है। और मैं इसमें मिर्ची डाली हूँ 1 टेबल स्पून, आप स्पाइसी खाते हैं ना तो 2 डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून नमक डाला है मैंने, और हरी मिर्ची बारीक डालूंगी चॉप करके, कुछ भी नहीं, बस मिक्स करूँगी। मिक्स करके मैं इसे ढक के रखूँगी 25 मिनट के लिए, बस कीमा जब तक गल ना जाए जब तक। तो देखिए मैंने पानी भी नहीं डाला इसके अंदर, प्याज से कीमे से पानी निकलेगा। आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालिएगा, ये स्पाइसी नहीं थे। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, ऑयल निकल के बाहर आ गया है, इसका सारा ऑयल निकल के भुनाई भी हो गई है। मैं ऑयल सारा इसका कैसे निकालूंगी आपको बताती हूँ, बिल्कुल तैयार है। 1 टीस्पून मैंने होममेड गरम मसाला डाला है, जो आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, बस ये तैयार है। अब सारा ऑयल में इसी से चमचे से मैं छन्नी में सारा कीमा डालूंगी इसी चमचे से। देखिए मैंने कोई बर्तन भी और इस्तेमाल नहीं किया, सारा कीमा डाल लिया, 5 मिनट मैंने छन्नी ना चमचे के ऊपर रख दिया, सारा ऑयल निकल गया, कीमा देखिए सारा गिरा ऑयल कढ़ाई में। अब देखिए शीट ये वो है जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी प्याज वाले समोसों में, तो मैं आपको इसकी भी रेसिपी देती, लेकिन बस रोज़े थे ना तो काफ़ी काम थे, 3-4 डिशेस बनानी थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो देखिए ये वही शीट है जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इस तरह मैं इसे रोल बना रही हूँ, सॉरी मैं समोसा बना रही हूँ। बस ये कॉर्नर का ना ध्यान रखना है, कॉर्नर बिल्कुल पैक होना चाहिए हमारा, या पैक नहीं हुआ ना ऑयल भर जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा। मैंने आटे से लई बनाई है, आप उससे भी बना सकते मैदे से, ठीक है। ये बहुत आसान, बहुत मज़े के इस कीमे वाले समोसे बन जाते हैं, और ये कीमा बहुत मज़े का कीमा बना है, बहुत सादा सा, बहुत मज़ेदार। तो देखिए मैंने इसके मिनी रोल भी बनाए हैं, बस मैंने शीट को थोड़ा चकोर में काटा है। आप बड़े रोल बनाना चाहते हैं ना इसी कीमे से, आप बड़ी शीट काटिएगा चकोर, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ऐसी कीमा भरेंगे। और मैंने इसी तरह आपको रोल की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो एक कोना अपनी तरफ रखेंगे आप शीट का, और इस तरह पैक कर लेंगे। आपको थोड़े बड़े बनाने, बड़ी शीट काटिएगा और लई लगा के हम पैक कर लेंगे। देखिए ये बन गया, और एक मैंने बनाया है समोसा, तीसरा समोसा बनाया है मैंने पोटली समोसा, जो पोटली समोसा इस तरीके से नहीं बनता, लेकिन मैंने इस शीट से पोटली समोसा भी बना लिया है। लेकिन इसकी असल रेसिपी ये नहीं, इसकी शीट दूसरी होती, बिल्कुल कच्ची शीट होती, कच्ची जैसे हम समोसे बनाते ना आलू की कच्ची रोटी होती, इस तरह की ना कच्ची शीट होती, उसमें ऐसे रखा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बस दिल चाह रहा था, हमने बना लिया पोटली समोसा भी। ऐसे 2-3 तरीके के हमारे समोसे हो गए, इसको अच्छे से हम पैक करेंगे लई लगाकर, ऐसे भी बन जाता है पोटली समोसा। लेकिन असल रेसिपी ये नहीं, इंशाल्लाह आपको अनकरी पोटली समोसे की भी रेसिपी दूंगी। बस मुझे एक वैरायटी बढ़ानी थी दस्तरखान में, बच्चे खुश हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से 3 तरीके से समोसे की शेप दिए हैं। ये बन के तैयार है, ऑयल तेज़ गर्म किया है, करने के बाद लो फ्लेम कर दिया है, इसमें मैं सारे समोसे रख दूँगी। मैंने 3 तरह के समोसे बनाए हैं, और ये लो फ्लेम में पकेंगे समोसे। मैंने जो पोटली को बंद किया है ना, इसमें ज़्यादा जैसे अब इसकी सिकाई ज़्यादा होनी है थोड़ी, तो मैं इसको पलटूंगी। 5 मिनट बाद मैंने इसे पलटा था, ऐसे ही हम पलट के है ना जगह चेंज कर करके तलते रहेंगे, अभी तल जाएंगे, लो फ्लेम में तल रहे हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, हमारे दादा कुकिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखें ये मैं बना रही हूँ, ये बन चुके हैं और ये तल गए हैं, थोड़ा सा मैं और सिकाई करूँगी, बस सिकाई कम्प्लीट हो गई। ये बहुत मज़े के बनते, आप बनाएं, आपके भी बहुत मज़े के, बहुत उम्दा बनेंगे इंशाल्लाह। आप बनाएं और मज़े कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।